हेलो एक्सपोर्टर्स, क्या आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ईपीसी हमें कितना बेनिफिट देती है एक्सपोर्ट में। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं पूरा आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हमको क्या क्या बेनिफिट देती है। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ईपीसी क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ईपीसी क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई हुई है। तो यहाँ पर मैं आंकड़ों के साथ आपके साथ बात करूँ तो 28 ईपीसी है। क्या है ईपीसी? मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। फिर है 6 है कमोडिटी बोर्ड, जैसे टी बोर्ड हो गया, कॉफी बोर्ड हो गया, स्पाइसेस बोर्ड हो गया, ऐसे बोर्ड है। एंड 3 है डेवलपमेंट अथॉरिटीज के, जैसे कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज की मैं बात करूं तो जिसमें अपेडा हो गया, तो वो क्या है? डेवलपमेंट अथॉरिटीज है। तो यहां पे इसके बेनिफिट्स क्या है, ईपीसी के बेनिफिट्स क्या क्या है? तो ईपीसी जो है एक्सपोर्टर को हर लेवल पे मदद करती है। आपको जो भी लेवल पे चाहिए, प्रोडक्ट से लेके आपको पेमेंट तक आपको मदद करेगी। अब मैं डिटेल में आपको बताता हूं क्या क्या करेगी। सबसे पहले आपको बायर ढूंढना है। क्या है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो अलग अलग एपीसी है उसकी अलग अलग मेंबरशिप, आपको पेमेंट देके उसका मेंबरशिप जो है लेना पड़ेगा। उसका जो मेंबरशिप फी रहेगा वो रहेगा अराउंड 5,000 to 10,000 to 15,000 डिपेंड ऑन काउंसिल, उसका मेंबरशिप फी रहता है। आपकी रिस्पेक्टिव ईपीसी में आप जाके उसकी वेबसाइट पर जाके आप वहाँ पर चेक कर सकते हो कितना मेंबरशिप फी है। तो उसके बेनिफिट्स में क्या है? ईपीसी जो है एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है सबसे पहले बायर का डेटा प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। आप उसके मेंबर हो, मे बी वहाँ लॉगिन हो के आप वहाँ पे डेटा एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारी काउंसिल पे डेटा अवेलेबल रहता है, बायर का लिस्ट अवेलेबल रहता है जो हमारी ईपीसी हमको देती है। तो बायर जो है कौन देता है ईपीसी? यस, हमारी ईपीसी बायर भी हमको देती है। दूसरा क्या क्या बेनिफिट है? दूसरा बेनिफिट है कि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज कौन देगा? सबसे पहले यहाँ पे जो लोग मेरे पास ट्रेनिंग में आते हैं वो भी पूछते हैं, सर मेरे को प्रोडक्ट का नॉलेज कहाँ से लेना है? सर मैं नया नया फील्ड में हूँ तो क्या करूँ? मेरे को कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना तो क्या करूँ? उसका पैकिंग कैसे होता है? तो मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं कि हमारी जो ईपीसी है उसमें भी हेल्प करती है, एक्सपोर्ट के पैकिंग में भी। पूरा उसकी साइट पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या है उसकी जो साइट, जैसे कि मैं अपेडा की बात करूं पर्टिकुलर, तो अपेडा की साइट पे कौन सी प्रोडक्ट, जैसे कि पोमोग्रेन का पैकिंग कैसे करना है, ग्रेप्स का पैकिंग कैसे करना है, बनाना का पैकिंग कैसे करना है, सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और सेम वर्क सारी ईपीसी का है। फिर आप ईपीसी को कॉल करके पूछ सकते हो भाई उसका जो काम है वो एक्सपोर्टर को हेल्प करना है। तो आपको क्या पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज भी ईपीसी देगी। फिर आप उसके मेंबर हो और आपको विदेश में जाना है, आपको पता है यूरोप वगैरह या अमेरिका के अंदर वीजा का प्रॉब्लम होता है, तो वीजा रिकमेंडेशन लेटर हमारी ईपीसी देती है। आप उसके मेंबर हो उसके बाद वो वीजा रिकमेंडेशन लेटर आपको देगी कि हमारा मेंबर है, बिजनेस के लिए जाना चाहता है, तो रिकमेंड करती है। उसकी गारंटी नहीं होती है बट वो रिकमेंड करती है ईपीसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है रिकमेंड करती है। फिर ईपीसी का काम है एग्जीबिशन। यस, सबसे बढ़िया काम है एग्जीबिशन। तो अपने मेंबर को ईपीसी एग्जीबिशन में भेजती है, चाहे इंडिया में हो तो भी भेजती है, और दूसरे पार्टिसिपेट करने के लिए सपोर्ट करती है, सब्सिडी देती है, विदेश में हो तो भी सब्सिडी देती है। मैं प्रैक्टिकली जा रहा हूँ गल्फ फूड दुबई में, मैं खुद जा रहा हूँ गल्फ फूड दुबई में, तो मैं आपको बता दूँ गल्फ फूड दुबई में अपेडा भी आ रहा है, जो हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है अपेडा, वो भी वहाँ पर आ रहा है। और वहाँ पर कैपेसिटी को 50 to 60 पीपल को स्पॉन्सर करेगी, मतलब अपेडा जो है उसको आने जाने का खर्चा प्लस वहाँ स्टॉल का खर्चा सब्सिडाइज रेट पे देगी पूरा। तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और विदेश में एग्जीबिशन अटेंड करना चाहते हो तो आपकी ईपीसी आपको हेल्प करेगी। यस, बहुत, और प्रैक्टिकली करती है। कई लोग पूछते हैं सर करती तो है ना? यस, अभी पूरा सिस्टम जो है ऑनलाइन हो गया है, पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो हमारी गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है हमको सही तरह से मदद करती है, तो विदेश में एग्जीबिशन के लिए भी मदद करती है। कई बार ये लोग डेवलपमेंट के लिए, सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, उस सेक्टर को डेवलप करने के लिए डेलीगेशन भी लेके जाता है।
क्या है, ईपीसी जो है डेलीगेशन भी भेजती है, जैसे कि इज़राइल हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे कि वहाँ जाओ, वहाँ लोग कैसे फार्मिंग करते हैं, वहाँ पे लोग क्या क्या इनोवेशन करते हैं वो देखो और इंडिया में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन करो। तो जो है हमारी ईपीसी हमको मदद करती है। फिर आपको ईपीसी जो है ये भी गाइडेंस करेगी आपको फाइनेंस किधर से मिलेगा, यस, कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है वो आपको जानना है तो आपकी ईपीसी बताएगी। जैसे कि कोई आप हैंडीक्राफ्ट ले लो आप, कि हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टेशन काउंसिल जो है उसमें वो बताएंगे कि हैंडीक्राफ्ट में गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट करती है, अपेड वाले बताएंगे एग्रीकल्चर में क्या क्या गवर्नमेंट के सपोर्ट है, तो ये सारे सपोर्ट कौन देता है हमको, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है हमें उसमें देती है और हेल्प करती है। फिर आता है MAI स्कीम, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम, जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या एक स्कीम देती है जिसका नाम है MAI, मार्केट को एक्सेस करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो वो भी आपको ईपीसी देगी। आप ईपीसी को पूछो MAI क्या है, उसमें विदेश में अगर आपको कोई ऑफिस वगैरह खोलना है या फिर आपको विदेश में एग्जीबिशन में जाना है, बहुत अलग अलग उसकी स्कीम है, मतलब शोरूम खोलना है, अलग अलग स्कीम है, तो वो अलग अलग स्कीम MAI स्कीम का नाम है, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम, वो भी हमको हेल्प करती है। और दूसरा है आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है। देखिए गवर्नमेंट बोल रही है एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, पर बोले सर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास वो मशीन नहीं है, तो उसमें भी वो लोग आपको मदद करेंगे, क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। दूसरा है आप एक्सपोर्टर हो, आपको कोई सेक्टर में तकलीफ है, लोकल में, बाहर तो भूल जाओ, यहाँ पे लोकल में तकलीफ है, आप अकेले गवर्नमेंट में फरियाद करोगे कोई सुनेगा, नहीं सुनेगा, बट जब आपकी ईपीसी आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फरियाद करेगी तो लोगों को सुनना पड़ेगा, समझ, गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा, तो ये भी हमारा एक बेनिफिट है एक एक्सपोर्ट, और बहुत सारे एक्सपोर्टर वहाँ मिलता है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमारी गवर्नमेंट बहुत ही सपोर्ट करी, तो ये जो है पूरा यहाँ पे क्या है एक्सपोर्टर को वन स्टॉप सॉल्यूशन ईपीसी है, बट आपको पूरा आपको एक प्रॉपर नॉलेजेबल होना पड़ेगा तब जाके ईपीसी आपको हेल्प कर पाएगी। बाकी बंदा न्यू बंदा फ्रेश फिर बंदा ईपीसी में जाके खड़ा रह जाएगा मुझे हेल्प करो एक्सपोर्ट करना है, ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, या फिर आपको कोई नॉलेज चाहिए तो वहाँ ले सकते हो, बट बेसिक आपके पास पूरा प्रोसेस मालूम होना चाहिए तब जाके ईपीसी आपको हेल्प करेगी। कई लोग, मेरे को प्रैक्टिकली मालूम है कि कई लोग होते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, पहले आप समझो तब जाके ईपीसी आपको हेल्प करेगी। तो ये सारे ईपीसी के बेनिफिट्स हैं। कौन सी ईपीसी है, जैसे कि अपेरल, अगर आप अपेरल में काम करते तो है AEPC, अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। अगर आप केमिकल में काम करते हैं तो केमेक्सिल है। अगर आप टेक्सटाइल में काम करते हो टेक्सप्रोसिल है। एंड रेडीमेड गारमेंट के लिए AEPC है, अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। फिर आप मशीनरी स्पेयर पार्ट ऑटोमोबाइल्स में काम करते हैं तो EEPC, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। फिर आता है EPCS, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। फिर आता है FIO, जनरल EPC है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO है। हदर जो है जेमसन ज्वेलरी है, हैंडलूम है, प्लास्टिक है, सर्विस है। बोर्ड कौन से है, जिसमें कॉफ़ी बोर्ड, कोयर बोर्ड, पाइसिस बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड, टोबैको बोर्ड। अगर आप ये प्रोडक्ट में आप काम करना चाहते हो तो आपको ये बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, पाइसिस बोर्ड आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रोडक्ट में। पाइसिस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो पाइसिस बोर्ड आपको हेल्प करेगा। फिर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज में है, जैसे कि अपेडा हो गया, एमपेडा, मरीन प्रोडक्ट, फिश वगैरह आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो हम एमपेडा आपको हेल्प करेगा। ये सारे जो बेनिफिट है हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हमको देती है, तो आप ये सारे बेनिफिट ले सकते हो। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत ही बढ़िया है आज के दिन में, कोई बिजनेस में अपॉर्चुनिटी हो तो हो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस, यस, बट उसको ध्यान रख के करना है। मेरी एडवाइस है आप उसको ध्यान रख के करो, उसको सीख के करो, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सीखना चाहते हो तो मेरा जो ट्रेनिंग होता है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। नो फेक प्रॉमिस ओनली जेन्युइन गाइडेंस, मैं आपको जेन्युइनली सिखाऊंगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करना है, एडवांस पेमेंट कैसे लेना है, बायर को कैसे ढूंढना है, बायर को कन्विंस कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाने हैं, उसमें क्या क्या प्रोसीजर होती है। और मेन चीज है आप इनसाइड ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट जानना चाहते हो तो मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट्स के लिए मेरी चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। Thank you and let's go global.